good morning everyone how are you i hope you all are good so class today is our english period take out your spiral page number 777 today we will start a new topic that is my M -Y, my my एंड वाई ओ यू आर योर आज हम अपने इंग्लिश के स्पैरल में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है एम वाई माए एंड वाई ओ यू आर योर न वॉट इज द मीनिंग ऑफ माई क्या आप सब जानते हैं माई का मतलब क्या होता है द मीनिंग ऑफ माई इज मेरा जैसे ये पेंसिल किसकी है दिस इज माई पेंसिल ये मेरी पेंसिल है एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ योर योर का मतलब होता है तुम्हारा जैसे अगर आप किसी से बात करोगे तो आपकी पेंसिल के बारे में बात अब हमारे पास वन पेंसिल है और वन पेन है तो अगर ये पेंसिल आपकी है तो आप कैसे बोलोगे दिस इज़ माई पेंसिल और ये पेन अगर आपका नहीं है किसी और का है या आपके पास में कोई दोस्त बैठा है उसका है तो कैसे बोलोगे दिस इज़ योर पेन ये तुम्हारा पेन है तो मैम आज आपको बताना चाहती है एम वाई माई का मतलब होता है मेरा जो चीज़ आपकी होती है आपकी खुद की होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं माए और जो चीज आपकी नहीं है किसी और की है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं योर वाय ओ यू आर योर योर मतलब तुम्हारा So, आज हम स्पाइरल में क्या करेंगे माए एम वाई माए एंड वाई ओ यू आर योर सो लेट स्टार्ट अब आपके सामने एक पिक्चर दे रखी है जिसमें एक कैट है और एक स्मॉल शरेट है तो अब आप देखेंगे क्या लिखा है डैश ब अ न बन इज ब ईग बिग अब जिसके ऊपर क्लाउड बना के ऐसा एरो बना रखा है वो हमें क्या बताता है वो हमें बताता है माय, मतलब मेरा है जहाँ पे भी आपको इस तरह का क्लाउड दिखेगा पिक्चर के ऊपर वो कौन सी पिक्चर होती है वो क्या बताती है वो चीज़ मेरी है माय। तो डैश बन अ बन इज बिग तो ये क्या कह रहा है माय, एम वाई माय बन इज बिग आपको पता है कैट और रेट में बातें हो रही हैं कैट के पास बिग बिग बन है और रेट के पास स्मॉल बन है तो कैट कैसे बताएगा इस चीज को कैट बोलेगा एम वाई माई ब अन इज बेग और इसके लिए क्या बोलेगा योर वाई ओ यू आर योर ब बन इज स्मॉल ऑल स्मॉल तुम्हारी बन छोटी है हम क्लास में करते हैं ना कि मेरे पास तो ये है और तेरे पास तुम्हारे पास ये है नॉ नेक्स्ट पेंसिल में देखेंगे इनके ऊपर एरो है किसके ऊपर एरो है जिसकी पेंसिल ब्लंट है डैशन पेन सिल इज ब्ल नट है जो पेंसिल आगे से शार्प नहीं होती है मोटी मोटी होती है जैसे लाइक दिस दिस पेंसिल इज नॉट शार्प जो पेंसिल आगे से शार्प नहीं होती है उसे बोलते हैं ब्लंट तो अब किसकी पेंसिल ब्लंट है माए तो क्या बोलेंगे माए माय पेंसिल इज ब्लंट और

B R O W N brown आप देखेंगे इस डॉग के अंदर आपको ब्राउन कलर भी करना है ओके अब जिसके ऊपर एरो है उसके ऊपर क्या लिखना है उस डैश में my my डॉग इज ब्राउन मेरा डॉगी ब्राउन है y o u r योन मतलब तुम्हारा डॉगी ब्लैक है इजी ना एंड लास्ट वन इज डैश बी ओ एन ई बोन इज स्म और स्मॉल तुम्हारी बोन क्या है स्मॉल है छोटी है तो क्या बोलेंगे अब ये कह रहा है मेरी बोन स्मॉल है सॉरी और तुम्हारी बोन बिग है तो कैसे लिखेंगे माए माए बोन इज स्मॉल मेरी बोन क्या है छोटी है और तुम्हारी के लिए क्या बोलेंगे योर योर बोन इज बिग ओके सो आज जो हमने टॉपिक किया है टॉपिक का नाम है एम वाई माई एंड वाई ओ यू आर योर नाउ लेट्स राइट कर्सिव लेटर सी इन योर नोटबुक सो राइट टू डेज डेट सेवन डॉट ट्वेल्व डॉट ट्वेंटी ट्वेंटी प्रैक्टिस लेटर सी एंड एम ओ एन डी ए वाई मंडे आई हैव डोंट रिलेटेड टू लेटर सी साउंड खंड ख खॉल सो लेट स्टार्ट राइटिंग पुट योर पेंसिल ऑन डॉट स्लॉटिंग लाइन डाउन करेंगे स्लॉटिंग लाइन अप करेंगे ऊपर पिंक लाइन तक थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे वापस पेंसिल चला के ब्रोकन बॉल बना के और इसको इतना ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा बनेगा पापा लेटर सी एंड द साउंड ऑफ सी इज ख लुक हेयर अगेन स्लांटिंग डाउन अप करेंगे थोड़ा आगे लेके जाएंगे वापस ब्रोकन बॉल बना के इसको थोड़ा सा अप छोड़ेंगे वेरी सिंपल जैसे हम बेबी लाइन्स लेंस टू लाइन्स में बनाते थे पापा लेटर्स थ्री लाइन्स में बनाना है नो आई होप आप सबको अब अपना हैंड का मूवमेंट आ गया होगा लाइक दिस दिस इज पापा लेटर दिस इज पापा लेटर ख स्लांटिंग डाउन स्लांटिंग अप थोड़ा सा आगे लेके जाओ फिर पूरा ब्रोकन बॉल घुमाओ ये बन गया डाउन आप थोड़ा आगे लेके जाओ पीछे घुमाओ स्लांटिंग डाउन स्लांटिंग अप थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे ये बन गया डाउन अप दिस इज वेरी सिंपल One line left. So do this work properly in your notebook. This is cursive handwriting. Papa letter K. So I hope this is very easy letter. And please do your work happily as well as nicely in your notebook. So that is it for today. Thank you and have a good day.